मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कि मैं आपको पहले भी टिग्नोमेट्री की एक बेसिक वीडियो बना के भेज चुकी हूँ, उसमें आप सभी ने ये देखा, हमने उसमें टिग्नोमेट्री का रेशियोज़ पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कैसे, अगर हमें कोई पर्टिकुलर गिवन रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू दी है, तो आप बाकी कैसे, बाकी बचे हुए 5 रेशियोज़ आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में, टिग्नोमेट्री की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैसे आपके वैल्यूज़ आप कैसे निकाल सकते हो, एंगल्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे साइन 0 है, साइन 90, साइन 45, कॉस 0, कॉस 90, मतलब जो स्पेशल एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू आप किस ट्रिक से निकाल सकते हो। तो इसमें सिर्फ एक ट्रिक आपको बता रही हूँ मैं, ओके। तो इस वीडियो में सिर्फ आपके सामने एक ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे लिखना है कि यहाँ पे 0 डिग्री है आपका, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे 90 डिग्री है, बीच में आपका 45 डिग्री पड़ेगा, और इधर आपका 30 डिग्री पड़ेगा, और इधर आपका पड़ेगा 60 डिग्री, ओके, सिंपल है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4 और 4 बाय 4, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर उसके बाद इनका अंडर रूट कर देना है, ओके। जस्ट आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे से आपको 0, 30, 45, 60, 90 लिखना है, फिर आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिख के सबको 4 से डिवाइड करके सबका अंडर रूट कर देना। तो ये जो वैल्यू आएगी ये साइन की होगी, कैसे देखो, 0 बाय 4 मीन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अच्छा, 0, 30 मतलब, अब ये 1 बाय अंडर रूट 1 बाय 4 का मतलब हो गया 1 बाय 2, ठीक, इसका मतलब हो गया जब हम इसको कट करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये 3 का तो अंडर रूट 3 ही होगा, और 4 का हमारा क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे हमारा कैंसिल हुआ 1, और 1 अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये जो वैल्यूज़ निकल के आई है ये साइन की है, मतलब साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाय अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3 बाय 2, और साइन 91। हम तो भाई इसी तरह से लर्न किए थे, यही मैथड हम लोगों को हमारे टीचर ने सिखाया था, वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम जैसे, अब साइन की तो आ गई, बाकी टिग्नोमेट्री का रेशियोज़ की कैसे निकालेंगे, ठीक है, साइन की आएगी, अब हम बात करते हैं कॉस की। तो आपको बस इसको रिवर्स कर देना, ये 1 है आपको यहाँ पे लिख देना है, अंडर रूट 3 बाय 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और ये आपका 1 बाय अंडर रूट 2 यहीं हो जाएगा, फिर ये आपका 1 बाय 2 ऐसे आ जाएगा, और ये 0 ऐसे आ जाएगा, मतलब आपको ये सीरीज़ उल्टी करके लिख देनी है, 0 हाफ 1 बाय अंडर रूट 3 बाय 2, 1 आपको उल्टा लिख देना, 1 फिर ये अंडर रूट 3 बाय 2, फिर 1 बाय अंडर रूट 2, फिर हाफ, फिर 0, ये आपकी कॉस की रेंज आ गई। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 अंडर रूट 3 बाय 2, कॉस 45 1 बाय अंडर रूट 2, और कॉस 60 हो गया 1 बाय 2, और कॉस 90 हो गया 0। अब बात करते हैं टेन की, सिंपल क्या होता है, टेन होता है साइन बाय कॉस, तो हमें इनको डिवाइड करते हुए चलना। तो 0 बाय 1 मतलब 0, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा 1 बाय अंडर रूट 3, ठीक है, 1 बाय अंडर रूट 3। अच्छा, ये तो सेम है, कट तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया, अब इनको डिवाइड करेंगे तो 2 2 कटा, बचा अंडर रूट 3, और 1 बाय 0, तो 0 डिनोमिनेटर में हो गया, तो आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। 0 10 0 0, 10 30 1 बाय अंडर रूट 3, 10 45 1, एंड 10 60 अंडर रूट 3, और 10 90 हो गया इन्फिनिटी। अब बचे तुम, आपके बचे हुए कोसेक, सेक और कॉट, सीधे सीधे कई तरीके से निकाल सकते हो। कोसेक में क्या करना है, साइन का उल्टा करना है, 0 को अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 बाय अंडर रूट का रेसिप्रोकल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 बाय अंडर रूट 3, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। तो ये आपकी कोसेक की वैल्यू आ गई, क्लियर हुआ। अब आपको सेक की वैल्यू निकालनी, सेक में या तो आप कॉस का रिवर्स लिख दो, रेसिप्रोकल करके लिख दो, नहीं तो इस सीरीज़ को रेसिप्रोकल करके लिख दो, जैसे आपने कॉस की लिखी थी साइन के लिए, साइन को रेसिप्रोकल करके आपने ये रिवर्स सीरीज लिख दी थी उठा के, 1 अंडर रूट 3 बाय 2, 1 बाय अंडर रूट 2, हाफ और 0। तो सेक के लिए आप कोसेक की ये सीरीज़ को आप रिवर्स करके लिख सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे बात है, कॉस इज़ इक्वल्स टू 1 बाय सेक, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 का कितना हो जाएगा 1,
अंडर रूट 3 बाय 2 को हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3, और 1 बाय अंडर रूट 2 को हो जाएगा अंडर रूट 2, और 1 बाय 2 को हो जाएगा 2, और 0 को हो जाएगा इन्फिनिटी। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, सी इन्फिनिटी, दिस इज 2, दिस इज अंडर रूट 2, दिस इज 2 बाय अंडर रूट 3, एंड दिस इज 1। ओके, उसका रिवर्स ऑर्डर है। बात है कॉट की, कॉट में या तो आप इन दोनों को डिवाइड करके लिख लो, नहीं तो आप 10 को रेसिप्रोकल करके लिख दो। तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाता है इन्फिनिटी, 1 बाय अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल हो गया अंडर रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1, अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाय अंडर रूट 3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 0। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन्फिनिटी बाय 1 इन्फिनिटी, 2 बाय 2 अंडर रूट 3, तो 2 2 कैंसिल हुआ और ये अंडर रूट 3 ऊपर चला गया, ये आ गया अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2, 1 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, और ये अंडर रूट 3 हमारा नीचे का नीचे डिनोमिनेटर में रहेंगे, तो 1 बाय अंडर रूट 3, और 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब 0। देखो 1 बाय 0 इन्फिनिटी होता है, और 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है। ओके, तो इस तरह से आप अपने टेबल बना सकते हैं। और ये जो आपकी छोटी क्लासेस में, मतलब आपके 10th में 11th में आपके जो यूज़ होते हैं 0 30 45 60 90 स्पेसिफिक जो आपके एंगल्स होते हैं, आप इसकी वैल्यू ऐसे चार्ट बना के लर्न कर सकते हैं। लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप इस ट्रिक को ध्यान कर लीजिए, इस ट्रिक को आप 2-3 बार लगाओगे आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी।